हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे गार्डन में कितना प्यारा रोज़ खिला है, जो गुड मॉर्निंग कह रहा है आप लोग को। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं फ्रेंड, और कितना प्यारा मौसम है। आज भी धूप निकली है फ्रेंड, ये देखिए सारे फ्लावर खिल रहे हैं फ्रेंड। देखिए अच्छा लग रहा है ना, अभी तो मेरे देसी ही खिल रहे हैं फ्रेंड। अभी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है हाइब्रिड वाले, मगर अभी वो खिल नहीं रहे हैं। तो आज फ्रेंड आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि आपके प्लांट में जैसे जो फूल सूख जाते हैं उनकी प्रूनिंग करना कितना ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे गार्डन में कुछ फ्लावर सूख गए हैं, तो मैं उनको हटा देती हूँ फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से इनके सूखे हुए फूलों को आप हटाएंगे तो यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। यहाँ से देखिए अब दो ब्रांच निकलेगी और वो अच्छे से, ये देखिए इसमें फ्लावर आएंगे फ्रेंड। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने सूखे हुए फूलों को तुरंत हटाते रहिए। मैंने 2 दिन से नहीं हटाया था फ्रेंड, तो मैंने सोचा आज मैं हटा देती हूँ, क्योंकि आज धूप निकली है। तो मैं गार्डन में अपने यही सब काम कर रही हूँ। कुछ फर्टिलाइज़र तो मैंने परसों ही दे दिया था फ्रेंड, तो मैंने सोचा चलो आज मैं प्रूनिंग ही कर देती हूँ। ऐसे मैं रखती नहीं हूँ सूखे हुए फूल, और इस तरह से आप भी हटाते रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये पैंसी है, कितना प्यारे तरीके से ये खिल रहा है, कितने खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स पैंसी के कलर। मुझे पैंसी बहुत पसंद है, और इसकी ख़ास बात ये है कि छोटे से छोटे पॉट में भी अच्छे से चल जाता है फ्रेंड। देखिए इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो गई है, और इसकी भी, ये मैंने इसको 5 इंच के पॉट में लगाया था, 4 या 5 के, तो ये अच्छे से फ्रेंड इसमें नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जो है इसको टब मेरे पास वेस्ट पड़ा था, तो फिर मैंने इसमें लगा दिया फ्रेंड। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर होते हैं पैंसी के। और अगर देखिए मैं गई नर्सरी तो मैं और भी लाऊँगी फ्रेंड, इनके साथ भी, इनके भी सूखे फूल नहीं रखने हैं। देखिए जैसे ये फूल सूख गया है तो इसको भी आपको हटाते रहना है। आपको ये काम विंटर फ्लावर में ज़रूर करना है फ्रेंड, कि आपको सूखे हुए फूल हटाते रहना है। ये देखिए हमारा डायंथस कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके लिए मुझे पॉट खाली करना पड़ा था, इसके साथ मुझे पता है मेरे साथ बड़ी टेस्टी हो गई फ्रेंड। मैं स्टोरी बताती हूँ आपको, मैं जब डायंथस लेने गई तो उसने मुझे डायंथस के बीच में लगा हुआ एक लोनिया टाइप का प्लांट नहीं होता जो हम लोग लगाते हैं 9 o'clock में अपने से निकल आता है, तो वो लगा के मुझे दे दिया फ्रेंड। और वो उसने पूरा पॉट भर लिया और ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा, तो फिर मैंने इसको अलग किया, तो मैंने इसको इसमें लगा दिया कि अगर ये सर्वाइव करेगा तो ठीक है, वरना देखते हैं। और ये देखिए ये डायंथस है, बाकी सारा उसने मुझे घास फूस दे दिया था, मेरा पैसा भी चला गया। खैर ये मुझे मिल गया, मैं तैयार कर लूँगी। और ये देखिए मैंने पिटूनिया की कटिंग लगाई थी और ये बहुत अच्छे से सक्सेस हो गई। और ये देखिए फ्रेंड वर्बीना की कटिंग, तो आप भी लगा सकते हैं। ये मुझे अब देर तक फ्लावरिंग करेगा जब उसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड चलते हैं, देखिए मेरी वो क्रायसेंथेमम कितने प्यारा तरीके से खिला है फ्रेंड, बड़ा प्यारा लग रहा है वो। देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत क्रायसेंथेमम है, और बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पर साल बहुत अच्छे से प्लांट तैयार करने वाली हूँ फ्रेंड। और ये देखिए डायंथस, इसको भी मैंने बड़े से पॉट में रखा था, मुझे पॉट की कमी थी, तो फिर मैंने उस पर डार्क फ्लावर लगाने के लिए इसको छोटे से फ्लावर पॉट में कर दिया फ्रेंड। देखिए कितने अच्छे से बरसा रही है, मुझे गिल्टी लग रहा है कि मैंने क्यों चेंज किया इसको। खैर ये देखिए हमारे जरबेरा की कली, और फ्रेंड मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जरबेरा में कली देखिए कितनी है, इसके नीचे भी देखिए 3 कली है फ्रेंड। मैंने इसके नीचे की पत्तियाँ हटा दी थी फंगस के डर से, और इसको, और देखिए ये कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और चलिए फिर मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, अपना अपने प्लांट्स का ख्याल रखना फ्रेंड। बाय फ्रेंड्स, दे दो।